फ्रिज देख सकते हैं, ये है फिलिप्स का हैंडहेल्ड स्टीमर 1000 सीरीज का है। ये देख सकते हैं इजी टू यूज एंड इजी टू स्टोर कर सकते हैं। विथ डिटेचेबल टैंक वाटर टैंक है। 2 ईयर्स वर्ल्ड वाइड इसमें वारंटी मिल जाती है। एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट MRP प्राइस वगैरह पूरी मेंशन है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कैसे इसको स्टीम आती है वो पूरा डिटेल दिया स्टीम के बारे में। 85 ml का डिटेचेबल वाटर टैंक है फॉर इजी रिफिलिंग के लिए। अप टू 18 ग्राम पर मिनट में इसकी स्टीम रेट होती है। एंड उसके बाद में देख सकते हैं रेडी इन 35 सेकंड में ये रेडी हो जाता है। जब भी आप प्लगिंग करते हैं विद इन 30 to 35 सेकंड में ये रेडी टू यूज है। नो बर्न गारंटी है ऑन ऑल आयरनेबल फैब्रिक एंड 99.9% ऑफ बैक्टीरिया एंड रिमूव ऑन डोर, जो कि बैक्टीरिया आपको जो है क्लॉथ के ऊपर जो है रिमूव करता है। तो चलिए इसको खोलते हैं एंड दिखाते हैं। एंड सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ मिलेगा इस तरह का मैनुअल बुक्स जो कि बहुत सारा है, उसको रखते हैं साइड में। एंड बहुत ही शानदार तरीके की पैकेजिंग मिलेगी। एंड छोटा सा कॉम्पैक्ट सा स्टीमर आपको देखने मिला। इसका जो वजन की बात हो तो अप्रॉक्स इसका जो वेट रहेगा 500 ग्राम तक रहेगा। एंड थोड़ा भारी तो है ही। तो देख सकते हैं ये है फिलिप्स का 1000 सीरीज गारमेंट स्टीम, बहुत ही शानदार लुक के साथ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको वाटर फिल करके आपको बताते हैं। एंड केबल 5 amps का है, किसी भी प्लग पॉइंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो वाटेज है 822-980 वाट है इसका जो। तो चलिए वाटर फिल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको खींच लेना है। खींचने के बाद जो है ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद देख सकते हैं आपको क्या करना है, ये जो टैंक है छोटा सा कॉम्पैक्ट टैंक है इसको देख सकते हैं। यहाँ से एक सिलिकॉन का जो लॉक लगा है इसको हटा देना है। हटाने के बाद सिंपली इसमें जो है वाटर फिल कर लेना है। ठीक है, वाटर फिल कर लिया हमने ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं वाटर फिल करने के बाद वापस इसको जो है इस तरह से अंदर फिटिंग कर देते हैं। अभी देख सकते हैं अंदर जो है वाटर आपको दिख रहा है। एंड अभी हम इसको प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने के बाद जो है आपको ऑन करके बताएंगे। तो गाइस देख सकते हैं अभी स्टीमर जो प्लग इन कर दिया है ना, करते हैं स्विच को ऑन। एंड जैसे स्विच को ऑन किया देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी लाइट आनी शुरू हो गई है। एंड विद इन 30 सेकंड में हम इसको ऑन करने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा स्टीमर रेडी है। तो चलिए हम बताते हैं 30 सेकंड के अंदर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाथ जो है बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से इतनी गर्म हवा आती है कि आपका हाथ भी जल सकता है। तो आपको यहाँ से तो हाथ बिल्कुल भी जो है नहीं लगाना है। एंड तो चलिए अभी 30 सेकंड हो गया, यहाँ पे कट ऑफ हो चुका है, तो अभी स्टीम करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एक साइड में आप देख सकते हैं मैंने जो स्टीमिंग किया है, एंड एक साइड में देख सकते हैं मार्क जो कि ये मैंने नीचे रख के किया है। अगर आप ऊपर टांग के करते हैं तो और भी बेहतरीन आपको जो है रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि ये जो मॉडल्स है ये सिर्फ ऊपर की तरफ करने के लिए होता है। एंड मैं इसको नॉर्मली नीचे की तरफ भी रख के जो है कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इतना बढ़िया जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई भी मार्क वगैरह नीचे नहीं बसा है। एंड बहुत ही शानदार तरीके से इसमें जो है जो है रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो देख सकते हैं स्टीम भी इसमें बहुत ही पावरफुल तरीके से आती है, आपको एक बार बताएंगे, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार आपको दिख रहा होगा वीडियो में। स्टीम एकदम ज़बरदस्त आती है, ये ऑटोमेटिक जो है फेंकती रहती है स्टीम। एंड आपको प्रेस करने से भी यहाँ पे बटन ऑप्शन है, प्रेस करेंगे तब भी आपको स्टीम जो है दे देगी। अब यहाँ से करते हैं तो चलिए बताते हैं।
तो गाइस हम वर्टिकल टाइप करेंगे तो देख सकते हैं वर्टिकल में बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। यहाँ पे नीचे आपको जो हाथ नहीं रखना है, आपको किसी हैंगर की मदद से हैंग करके आपको कर देना है। आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से कर देना है। बहुत ही इजी तरीके से ये इसमें जो है हो जाता है, मार्क वगैरह एकदम जो है हटा देता है। एंड पीछे स्टीम देख सकते हैं, बहुत ही जो है इसमें स्टीम जो है बहुत ही पावरफुल तरीके से जो है आती है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो कैसा लगा आपको ये स्टीमर का वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं सांद्र वीडियो, तो जय हिंद जय भारत।